सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में फिर से हम एक कॉलेज रिव्यू लेके आए हैं। कॉलेज का नाम है आपका आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका हम सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक देख रहे होंगे, मतलब एडमिशन से प्लेसमेंट तक का देख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कॉलेज यार आपका बेंगलोर में स्थित है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। और जो इसका कैंपस एरिया है यार, वो इतना बड़ा नहीं है, 50 से 55 एकड़ के बीच में, लेकिन उस 50 से 55 एकड़ में इन्होंने उसको अच्छे से मेंटेन किया है। अब जितना पुराना कॉलेज यार आपका होता है, उतनी ही अच्छी बात होती है, क्योंकि उसका एल्यूमिना नेटवर्क उतना ही अच्छा होता है, जिसका ये मतलब होता है कि जो बच्चे आपके निकल चुके हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे उनमें से, तो उनका नेटवर्क अच्छा होता है कॉलेज वालों का उनसे, तो प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड भी अच्छे हो जाते हैं। बात कर ले यार इसके एडमिशन और एलिजिबिलिटी की, तो आपको 12th में 50% से ऊपर लाने होते हैं। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका दो तीन तरीकों से होता है। पहला, आपको KEA CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको हम KCET भी बोलते हैं। उसमें आपकी सीट रिजर्व्ड होती है कर्नाटका वालों के लिए, और फिर काउंसलिंग होती है और फिर आपका एडमिशन होता है। दूसरा तरीका है यार, जो पूरी कंट्री में होता है, पूरे इंडिया के लिए, वो आपका कॉमिड के बेसिस पे होता है, ठीक है। उसमें भी आपकी कुछ सीट रिजर्व्ड है, लेकिन उसमें कोई भी जा सकता है इस कॉलेज में, फिर आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरा मेथड यार, इसमें मैनेजमेंट के बेसिस पे भी आपके एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी जा सकते हैं। अच्छा, जब इतने सारे मेथड्स हैं तो आपकी फ़ीस भी इसमें अलग अलग होती हैं। अब यार इसमें अगर हम स्पोर्ट्स की बात कर लें, तो स्पोर्ट्स में भी आपको सारी, मतलब वही जो हर कॉलेज में गेम्स होते हैं आपके, फुटबॉल, बास्केटबॉल, आपका खो खो हुआ, ये सब आपको देखने को मिल जाता है, और टेबल टेनिस, ये सब वहाँ पर अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका जो बास्केटबॉल है वो आपका यार, मतलब इन हॉल बास्केटबॉल है, मतलब रूफ है उसके ऊपर, जो एक काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। हॉस्टल मेस की बात करें तो यार मेस का खाने की जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, बट ऐसा यार हर कॉलेज में आपका होता ही है, कुछ दिन बाद आपको खाना बेकार लगता ही है। कोई भी मेस का खाना कभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, मतलब किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ की मेस का खाना आपको कुछ दिन बाद ख़राब लगने ही लगेगा। अब इसके कटआउट, प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर की यार बात मैं आपको PDF में बता रहा हूँगा, वहाँ पे अच्छे से दिखा के आपको PDF में सब कुछ मैं समझा रहा हूँगा। और कटआउट यार सारी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कर्नाटक KEA वाले की सारी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कटआउट है, जनरल 1, जनरल 2 और आपका रूरल और पता नहीं क्या क्या है, तो आप वो यार थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और वहाँ पे जाके आप यही सेम PDF खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी बनी हुई PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यार चलते हैं अपने PDF की तरफ। तो यार जैसा कि आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख रहे होंगे इसकी, तो ये सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, और यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी है, और बाकी सारी ब्रांचेस जो और कॉलेज में होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाती है, ठीक है। लगभग आपके इतने टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं हर साल। ओके, अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो आपकी ट्यूशन फीस यार जैसे कि हमने कहा था कि डिफरेंट होगी, कॉमेड के वालों की अलग से और KCET वालों की अलग से इसमें फ़ीस होती है। तो अगर हम ट्यूशन फी देख लें पर ईयर, तो 58,800 के आसपास आपकी KCET की सीट होती है, मतलब फ़ीस होती है। और अगर हम कॉमेड के वालों की या मैनेजमेंट वालों की बात करें, तो आपकी 2 लाख के लगभग इसमें चली जाती है, मतलब बहुत बड़ा यार डिफरेंस आ जाता है, लगभग 1.5 लाख का डिफरेंस आ जाता है अगर आप आउटसाइड कर्नाटका से हैं तो। अच्छा, कॉलेज फ़ीस अब बात कर ले, वो थी आपकी ट्यूशन फ़ीस। कॉलेज फ़ीस की बात करें तो आपकी अगर कर्नाटका से हो तो 37,000 लगेगी, अगर आउटसाइड कर्नाटका मतलब कॉमेड की तरफ से हो तो आपकी 38,600 लगेगी, और अगर आप आउटसाइड इंडिया से आ रखे हो, ठीक है, तो आपकी 48,600 लग जाती है। हॉस्टल फ़ीस की यार अगर हम बात कर लें, तो बॉयज़ हॉस्टल फ़ीस आपकी 1 लाख पड़ जाती है लगभग, और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो आपकी वही लगभग 98,000, मतलब 1 लाख के आसपास ही पड़ जाती है, मतलब हॉस्टल में ज़्यादा बड़ा आपका डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम वैसे देखें यार जो आपके कॉमेड के से आ रहे हैं, तो लगभग 8 लाख आपकी ट्यूशन फ़ीस और इस सब को मिला के आपके 10 लाख, और बॉयज़ हॉस्टल अगर मिला लें तो लगभग 14 लाख का खर्चा आपका, 14 से 15 लाख का खर्चा आपका बैठ जा रहा है 4 साल का। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 52 लाख का यार आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है, और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लें तो 4 लाख तक आपके 194 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, और 4 से 6 में आपके 441, 6 से 8 में आपके 186, 8 से 12 में आपके 252, 12 से 14 में आपके 55, और 14 से ऊपर भी यार आपके 197 स्टूडेंट जा चुके हैं, 1325 बच्चों का इसमें प्लेसमेंट हो चुका है, और काफ़ी सही स्टैट्स हैं यार। अगर हम इसका एवरेज पैकेज देखें तो 8 से 9 लाख का आपका एवरेज पैकेज बन जाता है, और
काफ़ी सही प्लेसमेंट है यार। अगर आप अच्छे बच्चे हो और सही से अपने 4 साल निकालते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब प्लेसमेंट आपका बहुत बढ़िया लग जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यार अपने कट ऑफ पे। तो जनरल मेरिट की यार KEE CET की बता देता हूँ मैं, और बाकी सारी की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। तो ये आपके यार KEE CET की हैं, जनरल मेरिट की, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसकी जो कंप्यूटर साइंस है आपकी वो क्लोज हो जाती है यार 183 क्लोजिंग रैंक है उसकी, राउंड 2 एक्सटेंडेड की, मतलब लास्ट राउंड की। अगर हम कॉमेडी की यार बात करें तो लास्ट राउंड मतलब राउंड 4 की है आपकी, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की देख सकते हो 493 है। और अगर हम कॉमेडी की जो हैदराबाद कर्नाटका के हैं उनकी देखें तो आपकी 636 हो जाती है, वो आपकी राउंड 1 की है यार, राउंड 4th की इसमें मिली नहीं मेरे को, तो राउंड 1 की मैंने डाल दी। तो होपफुली यार मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा, अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। इसी तरह के यार एजुकेशनल वीडियोस हम लाते रहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं यार अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।